बात कर लेते हैं रामलीला की। जी हाँ, तो रायपुर के दलदल सिवनी में सालों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। तो पंचमी से शुरू होकर विजयादशमी के दिन ये रामलीला खत्म होती है और रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में गांव के लोग यहाँ पर जुटते हैं। तो इसी कड़ी रायपुर के दलदल सिवनी की बात की जाए, जहां पर सालों से रामलीला का आयोजन किया जाता है और पंचमी से ये शुरू होकर विजयादशमी के दिन खत्म होती है। तो चलिए इसी खबर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी कुलेश्वर हमारे साथ मौके से मौजूद है। कुलेश्वर, हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए रामलीला का जो मंचन इस वक्त वहां पर हो रहा है। देखिए बिल्कुल, रामलीला का काफी पुराना परंपरा रहा है राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर के बहुत से जगह रामलीला होता है, लेकिन रायपुर के दलदल शिविर में जो है पंचमी से शुरू होकर आज के दिन रामलीला समाप्त होता है। और अभी चूंकि तैयारी जो है वो चल रही है, आप देख सकते हैं कि अभी जो है तमाम जो इसमें किरदार निभाते हैं, चाहे राम का हो, लक्ष्मण का हो, कुंभकर्ण का हो, जो किरदार निभाते हैं अभी उनकी तैयारी चल रही, क्योंकि राजधानी रायपुर में 6 बजे के बाद ही जो है ये कार्यक्रम होता है। और ये तैयारी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, तैयारी अभी हो रही है क्योंकि 6 बजे से शुरू होना है। ड्रेस सब पहन रहे हैं और जो मेकअप करते हैं वो सब किया जा रहा है। और यहाँ पे खास बात है कि 43 साल से जो है ये दलदल सिवनी में ये रामलीला होता हुआ आ रहा है। 83 साल से जो है ये दलदल सिवनी में रामलीला होता हुआ आ रहा है और ऐसे ही भव्य रूप से होता है, 5 दिन तक चलता है। बड़ी संख्या में गाँव के लोग भी आते हैं और हम जानेंगे जो इनके किरदार निभाते हैं। सबसे पहले आप बताए कि आप कौन सा किरदार निभाते हैं रामलीला? सर मेरा नाम विजय पटेल है, मैं सर 1996 से लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ। ये मेरा 26वां वर्ष है किरदार निभाते निभाते। लक्ष्मण जी का कोई डायलॉग जो उनका एक प्रसंग है, जब सूर्पनखा उनके पास आती है राम के, भगवान राम के पास और लक्ष्मण जी के पास, तो भगवान राम जी उनको मना कर देते हैं शादी करने से, तो लक्ष्मण जी के पास आती है, तो एक डायलॉग उनको है जो उनको मतलब धुतकारते हुए बोलती है ना, ऐसी बातें कर दे तुमको ओ कुलटा लाज ना आती है, मुझसे यह कहने के पहले पापिनी मर क्यों नहीं जाती है, पहली ही बार जिंदगी में, अरे पहली ही बार जिंदगी में ऐसी नीलस देखी हमने, है आज का दिन मनुष्य बड़ा जो इतनी नीलस देखी हमने। ये जो संवाद है ये सूर्पनखा सीतारण का ये संवाद है। ये लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं और यहाँ पे और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे। आपने कुंभकर्ण का ड्रेसअप पहना हुआ है, कितने साल से आप ये कर रहे हैं? जी मुझे लगभग हो गया है 25-26 साल से मैं ये रोल प्ले करते आ रहा हूँ। मैं 1996 से रोल प्ले करते हुए आ रहा हूँ और इसको करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लोगों के मनोरंजन के लिए। और इस रामलीला के रामलीला मंडली के माध्यम से हम लोगों को संदेश भी देते हैं कि वो राम का, राम हमारे एक आदर्श है, उनका अनुसरण करें और हर घर में एक लक्ष्मण जैसा भाई हो, भरत जैसा भाई हो और राजा दशरथ जैसे पिता हो, ये चीज़ों को अनुसरण लोग करें और हमारा देश अयोध्या और हर घर में राम और लक्ष्मण जैसे भाई हो, ऐसा हम लोग का संदेश रहता है लीला मंडली के माध्यम से। कुलेश्वर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर अलग अलग किरदारों से आप बात कर रहे हैं और देखिए आज चूंकि दशहरे का पर्व है, ऐसे में रावण के किरदार को लेकर जो भी इस रोल को प्ले कर रहा है उससे बात कीजिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए चूंकि ऋतु अभी ये पूरी तैयारी चल रही है, अभी जो यहाँ पे रावण का किरदार निभा रहे हैं वो अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि शाम को 6 से 6:30 बजे ये पूरी तैयारी शुरू होती है और कहीं ना कहीं अभी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कुंभकर्ण के ड्रेसअप में जो किरदार निभा रहे हैं तैयार हैं, लक्ष्मण यहाँ पे बैठे हुए हैं, विभीषण यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अभी तैयारियाँ चल रही है। लेकिन जो रावण जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका रावण दहन होता है, वो अभी तक यहाँ पे हालांकि नहीं पहुँचे हैं और वो भी कुछ देर में पहुँचेंगे क्योंकि शाम को 6 बजे कार्यक्रम चालू होते हैं। उसके बाद जो है ये सभी यहाँ पे एक पास में ही मैदान है रामलीला मैदान, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे भव्य जो रामलीला का जो कार्यक्रम होता है वो आयोजित करेंगे। आप इस किरदार विभीषण बने हैं? जी मैं विभीषण बना हूँ। जी कितने साल से इस परंपरा को आप लोग कर रहे हैं? मेरे को तो 35 साल हो गया। तो देखिए 35 साल हो गया, काफी लंबा समय होता है और कहीं ना कहीं ये देख सकते हो छोटे हनुमान है, ये छोटे हनुमान बन के भी तैयार है, क्योंकि रामलीला में अगर हनुमान नहीं है तो रामलीला अधूरा है। छोटे हनुमान बन के भी ये तैयार हो चुके हैं
और इनकी भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये भी अपने धीरे धीरे रूप में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर शाम का कार्यक्रम है, इसलिए तैयारी धीरे धीरे ये कर रहे हैं, तैयारी चल रही है। हमने छोटे हनुमान दिखाए आपको, लक्ष्मण दिखाए, विभीषण दिखाए, लेकिन रावण अभी तक नहीं पहुंचे। रावण भी कुछ देर में पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे 83 साल से यहाँ पे रामलीला कार्यक्रम रखा जा रहा है, आज भी उसी भव्यता के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग देखने को पहुंचते हैं। बिल्कुल, तो कुछ देर के बाद रावण का जो किरदार है वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो किरदार धीरे धीरे अपने रूप में यहाँ पर आ रहे हैं और शाम के वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब बड़ी संख्या में लोग इस रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका तस्वीर दिखाने के लिए।